जैन फौजियों, आज बहुत दिनों बाद इंडियन आर्मी ने किसी परीक्षा को आयोजित कराया है। लास्ट परीक्षा जो है 17 से 26 अप्रैल के बीच में आयोजित हुई थी और आज आपकी परीक्षा करवाई गई है, जो कि हुई है 10 सितंबर 2023 को। आर्मी रिलेशन भर्ती पर जो है इसका परीक्षा करवाया गया है, रिटेन टेस्ट लिया गया है, उसी का आज पूरा का पूरा पेपर हम लोग बनाएंगे। 10 सितंबर आर्मी रिलेशन भर्ती परीक्षा में पूछे हुए सारे सवालों को करने जा रहे हैं। जो भी सवाल देखो इंडियन आर्मी ने 10 सितंबर को आर्मी रिलेशन भर्ती में करा है, वो सारे सवालों को देखेंगे हम लोग। 10 सितंबर 2023 को यह सवाल आया है, क्या क्या पूछा गया है, सारी चीजें जो है हम लोग देखने वाले हैं। अभी सारा का सारा आंसर आप लोग देख लेंगे जो भी एग्जाम दे के आए हैं, और अपना अपना क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैच कर लीजिएगा कि उस सवाल का आंसर क्या होगा। इसके साथ साथ सभी लोग को ये बहुत जल्द इंतजार होगा कि न्यू भर्ती इंडियन आर्मी की कब आएगी, तो बहुत जल्द देखो आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नवम्बर महीने से जो है आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, नवम्बर महीने से जो है आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन अप्लाई हो सकता है। तो चलिए आज के सवाल को देख लेंगे। 10 सितंबर आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर करने वाले हैं। 10 सितंबर में जो भी सवाल पूछा गया है वो देखो अलग अलग जगह से बच्चों ने बताया है, अलग अलग जगह के बच्चों ने सवाल भेजी है कि सर हमारा ये सवाल आया, हमारा ये सवाल आया। उन सभी सवालों को जो है हम लोग करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नए होंगे सभी लोग एक एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी लोग को चैनल को लाइक कर लेना है, और जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को सेशन को शेयर नहीं किया है तो एक एक बार सभी शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक, ताकि सभी को जो है नए क्वेश्चंस मिल पाए, क्या नया क्वेश्चन इंडियन आर्मी पूछ रही है। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। देखो क्वेश्चंस जो है इजी से मॉडरेट लेवल के आए हैं, हमेशा का रहा है ज्यादा टफ सवाल इंडियन आर्मी नहीं करती है, और आज एक ही दिन परीक्षा था तो ज्यादा टफ पेपर भी नहीं पूछा गया, इजी से मॉडरेट लेवल का सवाल जो है यहाँ पर आया है, ना ही ज्यादा टफ सवाल है ना ही ज्यादा इजी सवाल, बीच में उन्होंने रखा हुआ है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, ये सभी लोग जानते हैं, सही जवाब क्या होगा तो ये सबको मालूम है, गंगटोक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोगों को ध्यान में रख लेनी, इसका सही जवाब है गंगटोक। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो गया देखो गंगटोक। अच्छा ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चंस अलग अलग जगहों के हैं, केवल एक ही जगह के नहीं है, अलग अलग जगहों के, जैसा सभी बच्चों ने बताया है उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारे के सारे सवाल हैं। तो क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके यहाँ से, अलग अलग पूछे जाए, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या सवाल है, मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं, व्हाट इज बी कीपिंग कोल्ड। चलिए जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे, मधुमक्खी पालन किसे कहा जाता है, मधुमक्खी पालन जो है किसको कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो मधुमक्खी पालन को देखो एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको जो है एपी कल्चर के नाम से जानते हैं, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर बोला जाता है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर देखो आपका कि बीपी मापने का यंत्र क्या कहलाता है, व्हाट इज द बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। आपसे पूछा गया है कि बीपी मापने का जो यंत्र है उसको क्या बोलते हैं, बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे और बताएंगे, जिस यंत्र से हम लोग बीपी ब्लड प्रेशर को मापते हैं उस यंत्र को क्या बोलते हैं, तो ध्यान में रखिएगा उस यंत्र को देखो सफाइग्नोमैनोमीटर बोला जाता है। ठीक है, चलिए हो गया, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि महिला T20 विश्व कप की विजेता कौन सी टीम है, विच टीम इज द विनर ऑफ वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। अभी हाल ही में देखो आपका वर्ल्ड कप आयोजित हुआ है और पूछा गया है आपसे कि महिला T20 विश्व कप की विजेता कौन सी टीम है, महिला T20 विश्व कप जो है कौन से टीम के द्वारा जीता गया। चलिए बिल्कुल सही आंसर करेंगे सब कोई, क्या होगा महिला T20 विजेता, तो महिला T20 विश्व कप विजेता कौन सी टीम है, तो याद रखिएगा ये है देखिए ऑस्ट्रेलिया, महिला में भी यही थे पुरुष में भी यही हो गए थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, सभी लोगों को जवाब ध्यान में रखना है, क्या होगा सही आंसर, तो ऑस्ट्रेलिया होगा। चलो अगला सवाल देखो आपसे पूछा गया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है, हु इज द विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 देखो आपका कराया गया है, जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे। देखिए इंडियन आर्मी में अभी रिसेंट का सवाल आने लगा है, पहले नहीं आता था पर अब करेंट अफेयर पूछे जाने लगे हैं,
करंट में वो क्या क्या पूछ रहे हैं, तो करंट अफेयर में देखो वो युद्धाभ्यास पूछ देते हैं, खेल से जुड़ा हुआ सवाल पूछते हैं, खेल आयोजन से जुड़ा हुआ, इसके बाद नियुक्ति से जुड़ा हुआ, ये सारे सवाल, ये तीन मुख्य टॉपिक हैं करंट में जिससे इंडियन आर्मी सवाल करती है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता शायद आप लोग जानते होंगे, ये है देखो अर्जेंटीना, ठीक है। किसके द्वारा जीता गया, तो ये जीता गया देखो अर्जेंटीना के द्वारा। चलिए, फ्रांस इसके अपोजिट में था, याद रखिएगा। अगला सवाल है देखो, यहां पर आपसे जो है क्वेश्चन किया गया है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। ये सारे के सारे सवाल देखो मैंने पहले बहुत बार कराए हैं, तो जो भी अगर पहले वाला क्लास देख के भी चले गए होंगे उनका लगभग ये सारे सवाल सही हो गए होंगे। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग याद रखना है देखो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होगा सही जवाब, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड जो है वायु में ध्वनि का वेग होता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है। बिल्कुल सही आंसर करेंगे और सबको बताएंगे, कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम, कॉकरोच का साइंटिफिक नाम क्या है, तो कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है देखो पेरीप्लेनेट, ठीक है, याद रखना है, सही जवाब होता है पेरीप्लेनेट। चलो जी, अगला सवाल है आपका कि अंतिम सिख गुरु कौन थे, हु वाज द लास्ट सिख गुरु, सवाल किया गया है कि अंतिम सिख गुरु कौन हुए। चलिए जल्दी से सबको जवाब देंगे, यहां पर अंतिम सिख गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा सिख में टोटल 10 गुरु हुए थे, ठीक है, और अंतिम गुरु कौन थे, तो अंतिम गुरु थे देखो गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, सभी लोगों को याद रखनी है, अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो यहां पर क्या पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसका खोज किसके द्वारा किया गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने करा। चलो जी जल्दी से आंसर करना और सबकी बताना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज किसने किया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है यह देखो की गई है माइकल फैराडे के द्वारा। क्या होगा सही जवाब, तो माइकल फैराडे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है कि पानी किस तापमान पर उबलता है, एट वॉट टेम्परेचर डज वाटर बॉयल, चलिए बिल्कुल सही यहां पर जवाब देना है, पानी जो है किस तापमान पर उबलता है, जो पानी है ये किस टेम्परेचर पर बॉयल होने लगता है, सही जवाब क्या होगा, तो जो वाटर है, जो पानी है, यह देखो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, ठीक है। अगर बोलेगा, पूछेगा कि जमता कितने पर है, तो जमता है देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर और उबलता है देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। चलिए, अगला सवाल यहां पर आपको पूछा है, नाइट्रस ऑक्साइड को कौन सी गैस कहते हैं, विच गैस इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको कौन सी गैस के नाम से जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को कौन सा गैस बोलते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को देखो हास्य गैस बोलते हैं, ठीक है, हास्य गैस का मतलब क्या है, तो लाफिंग गैस बोलते हैं, याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा, जो भी यहां पर लाफिंग गैस को ऑप्शन में करके आए थे उनका सही है, नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ये कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये देखो मैंने आपको करा दिया, कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो पेरीप्लेनेट अमेरिकाना, ठीक है, पेरीप्लेनेटा ऑप्शन में था, साथ में अमेरिकाना भी याद में रखिएगा, ये डिटेल नाम है, पूरा कंप्लीट नाम है, ठीक है। चलिए, क्या है, पत्ते सूर्य ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, जो पत्ते हैं ये सूर्य ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, व्हाट डू लीव्स कन्वर्ट सन एनर्जी इनटू, जो पत्ते हैं वो सूर्य ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं, जो पत्ते हैं, जो लीव्स हैं, ठीक है, ये लीव्स नहीं, यहां पर लीव्स लिखा हुआ है, जो पत्ते हैं, जो लीव्स हैं, वो सूर्य ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, तो यह देखो इनको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब सभी लोगों को ध्यान में रखनी है, पत्ते सूर्य ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, तो जो पत्ते हैं यह देखो सूर्य ऊर्जा को बदलते हैं आपका रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, सही जवाब होगा रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, केमिकल एनर्जी।
अगला सवाल देखो क्या पूछा गया, बापू किसका नाम है, हुज नेम इज बापू, बापू जो है किसका नाम है, बापू के नाम से किसे जाना जाता है, सही आंसर क्या है, जल्दी से करना और बताना। तो बापू के नाम से लगभग सभी लोग जानते हैं, किसको जाना जाता है, तो याद देखो महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। सारे के सारे क्वेश्चंस आज 10 सितंबर 2023 के आपके रिलेशन भर्ती के पेपर के हैं, पूरे क्वेश्चन ओरिजिनल हैं, अलग अलग जगह के हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग जगह से देखो बच्चों ने कॉल किया था, तो पेपर वैरी कर सकते हैं अलग अलग जगहों के, पर सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं यह देखो आपके वहीं के, ठीक है। महात्मा गांधी के नाम से बापू को जाना जाता है। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है, वायुमंडलीय दाब को जो है किस यंत्र से मापा जाता है, सही जवाब क्या होगा। तो वायुमंडलीय दाब को जो है देखो मापते हैं बैरोमीटर से, ठीक है, सही आंसर क्या है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने का जो यंत्र है यह देखो बैरोमीटर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहां पर करते हैं, अगला सवाल आपसे पूछा है कि आवृत्ति की इकाई क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आवृत्ति होता है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, बिल्कुल सही आंसर करिएगा बताने का कोशिश यहाँ पे, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक ध्यान में रखना है देखो हर्ट्ज होता है, ठीक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो हर्ट्ज है। अगला सवाल है देखो, उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज का देश के नाम से किस देश को जानते हैं, उगते सूरज का देश कौन सा देश कहलाता है, बिल्कुल सही आंसर करना है सबको और बताना है। उगते हुए सूर्य का देश किस देश को कहते हैं, तो उगते हुए सूर्य का देश देखो नॉर्वे को कहते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं, तो नॉर्वे को कहते हैं, ध्यान में रखेंगे सब कोई, अच्छा नॉर्वे हो गया। इसके साथ साथ यहां पर याद रखिएगा अगर ऑप्शन में जापान है तो ये भी जो है आपका यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, देखो ये नॉर्वे नहीं होगा, ठीक है, नॉर्वे नहीं जापान होगा, ठीक है, और नॉर्वे नहीं होगा जापान होगा, सभी लोग ध्यान में रखना, जापान के नाम से जो है उगते सूरज का देश किसको कहते हैं, तो जापान को कहते हैं, जो सही जवाब है यह देखो आपका जापान है, ठीक है, नॉर्वे नहीं होगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछा गया है, तो ये कहाँ पर बनी थी, तो यूपी में बनी थी, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम सबको ध्यान में रखोगे ये है देखो सरोजनी नायडू जी, ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो सरोजनी नायडू है जो कि यूपी में बनी थी, सभी लोगों को आंसर ध्यान में रखनी है। चलिए इसी के साथ जो है आज लगभग यहां पर बच्चों ने 20 लगभग 17 से 18 सवाल बच्चों ने फोन करके बताए थे, तो वो आपको आज के बनवा दिए गए हैं, 10 सितंबर वाले सभी को करा दिए गए हैं। अब सभी जरूर अपना बताइएगा कि आपने कौन कौन से सवाल सही किए, कौन से आपके गलत हो गए। तो चलिए यही आज की आपकी कंप्लीट क्लास थी, जाते जाते सभी लोग लाइक कर लेंगे, सारे लोग शेयर कर लेंगे, और जिन्होंने भी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। और जो भी लोग नए भर्ती के इंतजार में हो तो याद रखना पेपर टफ आ सकता है, इसलिए तैयारी पहले से करके रखिए, सब कोई तैयार रहिए। रोज शाम 7 बजे आपका इंडियन आर्मी का क्लास आज से कंटिन्यू हो रहा है, तो रोज शाम 7 बजे सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे, रोज शाम 7 बजे आपकी जो है क्लासेज आएंगी, तो सभी लोगों को रोज शाम 7 बजे क्लास अटेंड जरूर करना है। जाते जाते सभी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए तो तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत, मिलते हैं आपसे कल शाम 7 बजे।